तो उसके लिए एक ये नया है देन सेकेंड इज अबाउट एयरलाइंस फाइटिंग टू स्टे एयर बोर्न कोविड नाइन्टीन अगेन लॉकडाउन ऑपरेशन हॉल्ट तो दिस इज न्यूज अबाउट एयरलाइंस क्या स्ट्रगल कर रही हैं जूज गो ऑनलाइन ये दो जूज हैं ये भी अब डिजिटल हो गए हैं यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो अब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे देन फोर्थ इज अबाउट दे आर बैक दिस इज अबाउट माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस इसमें अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट है फिफ्थ न्यूज़ है ब्रिज ओवर यमुना ये एक फिफ्थ ब्रिज बन रहा है यमुना रिवर पे यहाँ हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कैंटी कंस्ट्रक्शन जो ब्रिज बनते हैं कैंटी लीवर ब्रिज एज वेल एज दीज कॉफर डैम ये कॉफर डैम क्या होते हैं विल गेट टू नो देन सिक्स इज अबाउट बायो पार्क एट अरावली अरावली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेंस हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं यहाँ अभी बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की बात है विल गेट टू नो सेवेंथ है बेटर कोविड कंट्रोल बेटर इकोनॉमिक रिकवरी इंडियन एक्सप्रेस में बताया है एक हीट मैप रिलीज हुआ है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जिन स्टेट्स में कोविड नाइन्टीन का हैंडल बेटर हुआ है वहाँ रिकवरी बेटर हो रही है एट्थ इज अबाउट क्लाउड बस्ट एट इदुक्की यहाँ अभी लैंडस्लाइड हुआ था इसके कॉन्सेप्ट और ये क्लाउड बस्ट क्या होता है जोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स दैन नाइन्थ इज अबाउट बिग गोल सेलिब्रेट माइल स्टोन बट इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे ये जरूरी है हम गवर्नेंस चैलेंजेस को भी एड्रेस करें टेंथ है फ्रीडम एंड आइडेंटिटी द राइट टू बी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस आध्यात्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडलाइन प्रिंसिपल हैं तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमारे यहाँ आइडेंटिटी भी मेनटेन हो और फ्रीडम भी हो एलैंथ इज अबाउट जल जीवन मिशन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रही है इसमें आज इन्फोग्राफिक्स में हम बात करेंगे ये इकोलॉजी के कुछ एसेंशियल ग्लॉजरी टर्म्स हैं लाइक ये जो टर्म्स हैं दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट विल हैवे लुक और ये वोकेबुलरी है दीज आर वर्ड्स सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अराउंड थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स लेट इस बिगिन ये द हिंदू का फ्रंट पेज है ये जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज दिस यू एस एफ डी ए नॉट फॉर रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट सी कोविड नाइन्टीन की बैटल में जो सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो है टेस्टिंग ट्रेसिंग और फिर क्वारंटाइन एंड ट्रीटमेंट टेस्टिंग का सबसे बड़ा जो बॉटल ने कहाता है वो आता है कि टेस्टिंग हमारे यहाँ एक्सपेंसिव होती है जो टेस्टिंग अगर इनएक्सपेंसिव होती है तो फिर वो एक्यूरेट नहीं होती तो टेस्टिंग के लिए आर टी पी सी आर टेस्ट को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं बट द पॉइंट इज़ कि ये कॉस्टली है और ये स्केलेबल नहीं है इसमें टाइम लगता है इस प्रोसेस को करने के लिए तो हम लार्ज नंबर पे टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं देट इज़ वाई फिर हम एंटीबॉडी टेस्टिंग पे जाते हैं और फिर हमने सेरोलॉजिकल सर्वे एंड ऑल कर रहे हैं ये एक नया इनिशिएटिव है नया फाइंडिंग है ये है रैपिड इनएक्सपेंसिव सस्ता होगा बहुत जल्दी होगा और ये सलाइवा बेस्ड टेस्ट होगा एंड द गुड थिंग इज इसमें जो एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी अच्छी है तो दैट इज़ वाई इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है ग्लोबल बैटल अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन में तो ये न्यू टेस्ट ऑन द ब्लॉक है ये सिंपल है चीप है और एक्यूरेट है रैपिड डिटेक्शन टेस्ट इसमें क्या नई बात है ये जो सलाइवा डायरेक्ट होता है ये सलाइवा सैंपल लेता है जो आर टी पी सी आर में स्वॉब्स लिए थे नेसल इसके बजाय ये डायरेक्ट सलाइवा का यूटिलाइज करेगा यूज़ करेगा फॉर डिटेक्टिंग दिस कोविड नाइन्टीन तो ये प्रोसेस क्या हो गई ईजी हो गई अफोर्डेबल है येस yes, ये काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा ये कॉस्ट है अराउंड टेन डॉलर का हो रहा है अराउंड सेवन हंड्रेड रुपीज़ जबकि जो आर टी पी सी आर है दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली टेस्ट और सेंसिटिविटी इसकी नाइनटी नाइन्टी फोर परसेंट है विच इज़ अगेन एक्सेलेंट ये जो टेस्ट है ये डेवलप किया है पब्लिक हेल्थ दिस स्कूल याल स्कूल और दिस एन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन सैम्पल्स कलेक्ट होंगे सेल्फ एडमिनिस्टर हो सकते हैं रिसर्च इन्वॉल्व इन डेवलपिंग दैट टेस्ट सो दिस इज अगेन वन फाइंडिंग देखना होगा अब ये इसका यूटिलिटी प्रैक्टिकल वे में कितना होता है बट द थिंग इज ये जो स्टेप्स जा रहे हैं जैसे अभी हमने इसराइल का देखा था इसराइल की जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है इंडिया में जो सैम्पल टेस्ट इन्वॉल्व करने के लिए आए हैं वो वो है अबाउट दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन अब ये एक नया यूएस का भी एक नया इनिशिएटिव है द होल थिंग इज कोविड नाइन्टीन का जो फाइट है द थिंग इज जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है दिस सोशल वैक्सीनेशन हैज टू बी देयर हमें इंडिविजुअल लेवल पे वी नीड टू एक्ट बेटर एंड द सेकेंड इज दिस टेस्टिंग जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ही हम बेटर डील कर सकते हैं कोविड नाइन्टीन को आगे हम एक और आर्टिकल पढ़ेंगे कि जिन स्टेट्स ने कोविड नाइन्टीन को बेटर डील किया है उधर इकोनॉमिक रिकवरी में ऐसे वर्टिकल देन वहाँ पे रिकवरी हुई है तो द होल थिंग इज टेस्टिंग कंटेन करें दिस कोविड नाइन्टीन के स्प्रेड को ये जो टेस्टिंग सलाइवा सैंपल है इसमें एक और अच्छी बात है कि ये जो सलाइवा सैंपल प्रिजर्वेटिव बफर्स हैं प्रोटीनेस की के ट्रीटमेंट है हीट इनएक्टिवेशन है आर टी क्यू पी सी आर वायरस डिटेक्शन है तो इसमें जो रीजन्स होते हैं आर टी पी सी आर में हमें रीजन्स पढ़े थे हमने ये जो रीजन्स हैं वो यहाँ पे इतने रिक्वायर्ड नहीं होंगे तो दैट इज़ वाई जो डिपेंडेंसी है हमारी वो भी कम होगी द होल थिंग इज टेस्टिंग प्रोसेस अभी रैपिड करने का हम फुल थ्रोटल वर्क कर रहे हैं सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़ सेकेंड न्यूज़ है अबाउट दिस एयरलाइंस फाइटिंग टू स्टे एयर फाइटिंग टू स्टे एयर वाई बिकॉज लॉकडाउन के कारण जो पैसेंजर एयरलाइंस हैं वो काफ़ी कम हो गई है ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है कोविड नाइन्टीन हुआ लॉकडाउन हुआ ऑपरेशन हॉल्ट हुए ये जो एयरलाइंस है इंडिया में स्पेशली ये ऑलरेडी एलिंग थी इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी रेवेन्यूज ड्रॉप हो रहे थे और फिर हो गया कोविड नाइन्टीन तो सिचुएशन और वर्जन हो गई डिपिंग इन टू रिज़र्व तो अब ये रिलाय कहाँ पे कर रहे हैं जो इनका पहले की कमाई है रिज़र्व है दे आर रिलाइंग ऑन दैट दे आर रिलाइंग ऑन दिस कार्गो फ्लाइट कार्गो मतलब मालडुलाई एटसेट्रा कार्गो फ्लाइट और ये अपने प्रमोटर्स से भी फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं बट हाउ लॉन्ग ये सस्टेनेबल नहीं है स्क्रैपिंग द बैरल ये जो स्लम्प है पैसेंजर डिमांड में इसने फोर्स किया है एयरलाइन को टू ट्वीट बिजनेस नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कल हमने देखा था एडेप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चेंजिंग सरकमस्टेंसेज एंड चेंजिंग सरकमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग आपको अडेप्टेशन करना पड़ता है तो दैट इज़ वाई बिजनेस में यहाँ पर इन्हें ट्वीक करने की ज़रूरत है ट्वीक बिजनेस जो बिजनेस मॉडल्स हैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं इट हैज़ टू बी चेंज्ड उनको चेंज करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सरकमस्टेंसेज मैनी प्लेन्स फ्लाइंग एंड ओपन न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहाँ पर डिस्कवर करने ही पड़ेंगे सो दिस इज़ एयरलाइंस फाइटिंग टू स्टे एयर बॉन सिस इज़ फर्स्ट न्यूज़ ये सेकेंड न्यूज़ है देन ये है थर्ड न्यूज़ यहाँ के जो एनिमल्स हैं कोलकाता के और दार्जिलिंग जूज के अब ये भी क्या करेंगे लाइव स्ट्रीम करेंगे लाइव स्ट्रीम करेंगे ये एक यूनिक इनिशिएटिव है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जू एनिमल्स एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लेते हैं और उस टाइम स्लॉट में ये सारे एनिमल्स आके लाइव स्ट्रीम करके हेलो बोलेंगे सारे विजिटर्स को एनिमल लवर्स वेस्ट बंगाल में अब एबल होंगे टू वॉच वाइल्ड लाइफ फ्राम द कम्फर्ट ऑफ़ देयर होम्स तो वाइल्ड लाइफ तो भी अब यहाँ पर इनोवेशन कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जूज हैं ये जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है एटीन सेवेंटी सिक्स में बना था ये हाउस होता है अराउंड एलेवन हंड्रेड वाइल्ड एनिमल्स को एवियरी स्नक एनक्लोजर्स एंड ऑल यहाँ पर है एटीन सेवनटी सिक्स काफ़ी पुराना है दूसरा जो है ये हाई एल्टीट्यूड जू है कंट्री में स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती है स्नो लेपर्ड और रेड पांडा भी, सो so, ये दो जू हैं कोलकाता और ये है दार्जिलिंग का सेकेंड सो दिस इज़ फ्रंट पेज देन ये सेकेंड पेज है सेकेंड पेज में न्यूज़ है दे आर बैक ये है माइग्रेंट वर्कर जब कोविड नाइन्टीन का थ्रेट आया देन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज हुआ मेहम क्रिएट हुआ अननेसेसरी प्रोपोगेंडा हुआ अनसर्टेनिटी के कारण ये एक्जोडस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स स्टार्टेड मूविंग टू देयर विलेजेस गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्राई भी किया कि इनको स्टॉप किया जाए इनको सम हम सिटी में जहाँ वर्किंग कंडीशन है वहीं पर इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए और इतना मास स्केल ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है एक्जोडस मूव हो रहा है इसको स्टॉप करें रीज़न क्या था बिकॉज गवर्नमेंट न्यू कि ये विलेजेस जाएंगे विलेजेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी सेकंड अगर ये विलेजेस वापस जाएंगे तो विलेजेस में वायरस का स्प्रेड होने का भी थ्रेट है इंटरलैंड में रिमोट एरियाज में और वो फिर नाइटमेर हो जाएगा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा बट दैट हैपन फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया सुओ मोटो कॉग्नीजांस लिया पीआईएल फाइल हुआ फिर श्रमिक एक्सप्रेस जैसी बहुत सारी ट्रेन्स चली माइग्रेंट्स को उनके घर पे पहुंचाया गया अब ये वापस आ रहे हैं वापस आ रहे हैं बिकॉज ये तो होना था यहाँ पे विलेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ऑल दो गवर्नमेंट ने एम नरेगा से ट्राई किया जल जीवन मिशन इनोवेटिव आइडियाज़ किए बट वो फिजिबल नहीं है इतने सारे लोगों को उनके होम प्लेस में विलेज़स में प्रॉपर इकोनॉमिक यहाँ पे कंडीशन उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना तो अब बैक टू बेसिक ये वापस एग्जॉर्डस नजर आ रहा है नाव ये वापस आ रहे हैं सिटी में वर्क प्लेसिस में द होल थिंग इज कि जो न्यू फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं विलेजेज में माइग्रेंट लेबरर्स हु हैड लेफ्ट द सिटी इन मार्च आर रिटर्निंग इन ड्रोव्स अब इसमें कोविड नाइन्टीन का कितना अच्छे से स्प्रेड हुआ पहले वो डिफरेंट एरिया में गए अब देन ये वापस आ रहे हैं तो दिस इज वॉट वी नीड टू तो अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इंडिविजुअल मीडिया लेवल पे भी कि समटाइम्स जो मीडिया का प्रोपोगेट होता है न्यूज़ और द वे वी टैकल अ सिचुएशन ये बैकफायर होता है अब ये दे आर बैक कोविड नाइन्टीन का थ्रेट विलेज में लिटिल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लाइवलीहुड चैलेंजेस एंड रिटर्निंग बैक टू सिटीज तो हेल्थ केयर में कोविड नाइन्टीन का जो स्प्रेड था यहाँ हम इसको टेकल नहीं कर पाए फेल हुए इकोनॉमिक क्राइसिस भी यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा वर्जन हो गया एंड दिस माइग्रेंट इशू भी तो लेट लेटस अगेन ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस बट अगेन बैक में हम रिवर्स में देखते हैं तो विज़न हमेशा ट्वेंटी ट्वेंटी होता है पीछे मुड़ के कमेंट्री देना ईजी होता है उस टाइम पे सिचुएशंस जो थी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना बेस्ट दिया और माइग्रेंट वर्कर्स को भी काफ़ी अनसर्टेनिटी इनसिक्योरिटी थी सो दैट इज़ वाई दे टुक एक्शन विच लुक बेस्ट टू देम सो द पॉइंट इज कि अभी ये सिचुएशन है कि माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे हैं अब फिर से एक प्रिपेयर करते हैं शॉर्ट नोट अपडेटेड कंडीशन पे इस क्राइसिस का माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस का सो दिस इज पेज नंबर टू आज मार्टरडम है शहीद मदन लाल ढींगरा जी का दिस इज मार्टरडम डे ये पेज नंबर टू है और ये पेज नंबर थ्री है यहां पे बात है डी एक ब्रिज बना रही है यमुना पे ये फिफ्थ ब्रिज होगा ओवर रिवर यमुना ये ब्रिज बन रहा है ये बिल्ट होगा यूजिंग सी मेथड अब ये सी मेथड क्या होती है समटाइम्स बैक हमने देखा था ये कैंटी ब्रिजेस के बारे में हमने पढ़ा था कोलकाता का जो ब्रिज है वो भी हमने पढ़ा था नाउ ये जो ब्रिज है ये फर्स्ट एवर मेट्रो ब्रिज बन रहा है यूजिंग सी एल सी मैथड सी एल सी मतलब होता है कैंटी ब्रिजेस होते हैं ये रिजिड स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं ये ऐसे करके ओरिजोनटली बनते हैं सपोर्टेड एट ओनली वन एंड सी समथिंग लाइक दिस सपोर्टेड एट ओनली वन एंड कैंटी कंस्ट्रक्शन अलाउ करता है ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर को विदाउट एडिशनल सपोर्ट तो यमुना रिवर पे ऐसे कैंटी ब्रिज बनाने का बात है एक्सटेंड हॉरीजोंटली सपोर्टेड एट ओनली वन एंड यहाँ पे अब बात आएगा बिकॉज यमुना जो है ना एन की न्यूज़ में हम अक्सर देखते हैं यमुना का पॉल्यूशन यमुना के रिवर बेड पे कई बार एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और रिवर बेड यहाँ पे डैमेज होता है एनवायरमेंटल लॉसेज होते हैं तो अगेन डी ये जो वर्क कर रही है तो ज़रूरी होगा फिर से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सारे सेफ करना कि ये एनवायरमेंटल डैमेज मिनिमाइज़ हो यमुना फ्लड प्लेन्स को भी हमें सेफ करना पड़ेगा यमुना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर पॉलिटिंग और इसमें कंजर्वेशन एफर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं यमुना फ्लड प्लेन्स एनवायरमेंटल सेफ गार्ड यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसे ब्रिजेस बनते हैं पानी में तो वहाँ बनाया जाता है ये कॉफ़र डैम ये कॉफ़र डैम क्या होता है जैसे ये पानी है अब यहाँ पे इन्होंने ये कॉफर डैम बना लिया कॉफर डैम होता है एक एनक्लोजर जो बिल्ट होता है विद इन या पेयर्स अक्रॉस में बॉडी ऑफ वाटर ताकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकें अदरवाइज पानी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगा तो पहले हम एक कॉफर डैम बनाते हैं और फिर वहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क बिगिन करते हैं तो ये जो कैंटी लिवर ब्रिज बनेगा यमुना पे तो वहाँ कॉफर डैम का भी यहाँ पे पहले बनाएंगे और कोविड नाइन्टीन है तो दैट इज़ वाई ये थ्री डी मॉडलिंग एंड ऑल यूज करेंगे यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट को सो दिस इज ब्रिज ओवर यमुना ये है देन पेज नंबर थ्री यहाँ एक और न्यूज़ है दिस इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी पार्क टू कम अप इन अरावली अरावली भी हमारा फेवरेट है वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस अरावली रेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत पुराने माउंटेन है रेलिक्स माउंटेन है फोल्ड माउंटेन्स ओल्डेस्ट माइन्स मिनरल्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने इस पर एक ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया था वाटर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है तो ये अरावली के जो हिल्स हैं उसको लेवल कर रहे हैं इनक्रोचमेंट हो रहा है तो अरावली इज़ डाइंग ये सिक्स किलोमीटर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ऐसे रेंज है हरियाणा राजस्थान एंडिंग इन गुजरात दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अरावली हाइएस्ट पीकेज की गुरु शिखर बनास लूनी साखी और साबरमती यहाँ की रिवर है और पासिस यहाँ पर है हल्दी घाट अब हरियाणा में करीब हंड्रेड एकड़ का ये कसान में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की बात है और जिसके लिए विलेज पंचायत से अप्रूवल भी है रिजोल्यूशन पास हो गया है इन्होंने प्लेच किया है वो लैंड अवेलेबलिटी करेंगे नाव ये जो कंजर्वेशन होता है तो इसमें हम अक्सर टर्म देखते हैं जैसे नेशनल पार्क हुए या फिर सेंचुरीज हुई या फिर बायोस्फेयर्स हुए दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज ये इंपॉर्टेंट है ऐसा ही एक होता है बायोडाइवर्सिटी पार्क इसका सिग्निफिकेंस क्या है फीचर्स क्या है लेट एस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी पार्क देन दिस इज पेज नंबर थ्री ये पेज नंबर फोर है दिस इज अगेन अबाउट जू लाइव स्ट्रीमिंग होगा एनिमल्स लाइव स्ट्रीम हाई सो दिस इज पेज नंबर फाइव जामा मस्जिद वैष्णो देवी श्राइन्स भी अब धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं बिजनेस इकोनॉमीज भी ओपन हो रही है तो बट यहाँ पे भी बात है कि हेल्थ रेगुलेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कोविड नाइन्टीन का अभी थ्रेट है देन ये आ जाता है फिर एडिटोरियल अस लुक एट इंडियन एक्सप्रेस नाउ फर्स्ट पेज में फ्रंट में न्यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी टू इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था इकॉनमी की जो ग्रोथ है इकॉनमी की ग्रोथ कंडीशन हेल्थ हम कैसे नापेंगे इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखते हैं कोविड नाइन्टीन के भी हमने एज ए इंडिकेटर दिए द होल आइडिया इज़ कि हम गेज करें इकोनॉमी का क्या हेल्थ है परफॉर्मेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है मतलब इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल कंजम्पशन इज गुड इकोनॉमी इज डूइंग वेल जैसे ई वे बिल्ज हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस गुड्स हो रहा है तो मतलब इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल तो इन इंडिकेटर्स से हम मेजर करते हैं इकोनॉमी को तो यहाँ ये फाइंडिंग आई है ये एक है हीट मैप बेटर कोविड कंट्रोल बेटर इकोनॉमिक रिकवरी ये नाम है हीट मैप दिस इज इंपॉर्टेंट हीट मैप ये है स्टेट वाइज कोविड नाइन्टीन का डेटा जो डेवलप हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह डेवलप किया है टाइमली इकोनॉमिकल रिकवरी उस स्टेट में अच्छी हो रही है जिस स्टेट में कोविड नाइन्टीन बेटर मैनेज किया गया इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ई वे बिल है जो ट्रांसपोर्टेशन जनरेशन और एम जी नरेगा वर्क क्रिएशन तो ये ज़्यादा बेटर उन स्टेट्स में लिख रहा है जहाँ पे हायर कंट्रोल है ओवर केसेज एंड रिकवरी सो द होल थिंग जो होती है ना वो बॉटल डाउन हो जाती है दिस कोविड नाइन्टीन पे कोविड नाइन्टीन जहाँ पे बेटर रिकवरी हो रही है कंट्रोल्ड है वहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी भी बेटर है डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का सो दिस इज सेवेंथ वन देन ये सेवेंथ है देन यहाँ पे अगेन ये फिर से न्यूज चल रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका फिर से न्यूज में है कैम्ब्रिज एनालिटिका पहले भी न्यूज में था सोशल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्शंस जो होते हैं उसका मैनिपुलेशन के लिए एंड दिस कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा प्राइवेसी इज अगेन अ वेरी वेरी बिग चैलेंज और यहाँ पे अभी फिर से पैनल में आई का ये बात होगा पार्लियामेंट में विल हैव अ रीलुक ऑन दिस टॉपिक देन ये है जो यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं तो वो जो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड ऑल ये अगेन इंडियंस में अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पॉलिटिकल अंडर टू ने कि दे विल दिस स्टैंड विद इंडिया ये होमेज टू वाजपेयी साहब है ये है जॉन्ट स्क्रीन्स टू ऑडियो कंसोल्स एट सीट्स राज्यसभा में सेशंस होते हैं एक होता है बजट फिर आता है अभी मॉनसून फिर एक विंटर आएगा कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में मॉनसून सेशन आ रहा है तो दे आर नाट प्रोवाइडिंग ऑल दीज प्रोविज़न ताकि एक यहाँ पर डिस्टेंसिंग भी हो और पार्लियामेंट का वर्क भी हो पाए ये जो होते हैं ना कॉम्युनिटी स्कूल ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इनके बारे में वी शुड हैव अ गुड अंडरस्टेंडिंग एजुकेशन जो होता है ग्रास रूट पर बेटर करने में कॉम्युनिटी स्कूल का काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो जैसे ये गुलबर्गा में यह एक लर्निंग इम्पार्ट हो रहा है कॉम्युनिटी स्कूल्स के थ्रू सो दिस इज़ पेज नंबर वन ये पेज नंबर टू है ये पेज नंबर थ्री है सी गणपति बप्पा यहाँ पे गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी एंड मुहर्रम बीन प्रोहिबिटेड इन व्यू ऑफ एंडमिक कोविड नाइनटीन इज एवरीवेयर फेस्टिवल एंड सम रिस्ट्रिक्शंस देन ये मंकी मैनेस है दिस इज केसेस ऑफ मंकी बाइट्स ये पेज नंबर फोर है आर एफ आई डी कल हमने देखा था ना आर एफ आई डी और एन एफ सी का डिफरेंस एन एफ सी और आर एफ आई डी आर एफ आई डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आर एफ आई डी से फास्टैग एंड ऑल जो हमने यहाँ पे टोल प्लाजा में लगाने की बात थी आर एफ आई डी देन दिस इज पेज नंबर फाइव दिस इज वैक्सीनेशन हाउ सून एंड हाउ इफेक्टिव ये पेज नंबर सिक्स है ये बात है नरेगा का जो डिमांड है ये न्यूज़ भी हम अक्सर बात करते हैं एम जी नरेगा वी हैव टॉक्ट अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल बेसिक्स अब जो एम नरेगा है ये पूरे साल भर तक ऐसे स्प्रेड होना चाहिए बट हमने देखा कि अगस्त आते आते ही पूरे साल भर का डिमांड अभी ही कवर हो गया 100 डेज का जो पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लेस देन फाइव मंथ्स में ही पूरा तो दिस स्टेल्स की इकोनॉमी में कितना ज्यादा स्ट्रेस है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर हाई देन ये अगेन प्लेसेज ऑफ वर्शिप ओपन हो रहे हैं ये है क्लाउड बस्ट क्लाउड बस्ट हैव सेट ऑफ एक्की लैंडस्लाइड ये क्लाउड बस्ट होता क्या है क्लाउडबर्स का मतलब होता है एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ है प्रेसिपिटेशन मतलब पानी गिरना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे रेनफॉल हुआ समटाइम्स हेल और थंडर भी होता है ये फ्लड कंडीशन हो जाती है बिकॉज एक साथ बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो जो जमीन है वो उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी तो पानी अक्यूमलेट हो जाएगा और एक्यूमलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड फ्लड तो क्लाउड क्लाउडबर्स्ट जो होता है तो बहुत ज़्यादा क्विकली रेन आता है और वो क्विकली उस पानी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो वहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है इससे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर 25 फाइव एम एम ऑफ प्रेसिपिटेशन का रिस्पॉन्ड टू दिस मेनी टर्न्स पर किलोमीटर स्क्वायर तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट बादल यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा पानी हो गया अब पानी आता है तो लैंड होता है लैंड मतलब जैसे ये स्लोप है इदुक्की में हमने पढ़ा था फोर्टी डिग्री तक का स्लोप था वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी गिरा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बाइंडिंग कैपेसिटी है मिट्टी की ये लूजन हो जाएगी और ऐसे करके ज़मीन भूस्खलन होगा दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड तब भी ज़्यादा होता है जब मैनमेड एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ पे बाइंडिंग हमने वीकन कर दिया है या फिर यहाँ पे जो ट्री कवर है अफॉरेस्टेशन नहीं है डीफॉरेस्टेशन हो गया है बिकॉज जो ट्री की रूट्स होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है तो उसके कारण ऐसे यहाँ पे दिस लैंडस्लाइड हो जाते हैं तो ये भी एक रीजन है में लैंडस्लाइड होने का। वर्ल्ड न्यूज ये रशिया है फिर आ जाता है एडिटोरियल पेज पहले बात करते हैं द हिंदू का लैपिंग इन टू ये है अबाउट सुप्रीम कोर्ट कल हमने देखा था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129। बट इसमें एक बैलेंस होना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट कई बार ओवर सेंसिटिव हो जाती है क्रिटिसिज्म में क्रिटिसिज्म इज़ नॉट इक्वल टू कंटेम्प्ट इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे टॉलरेंस की भी बात है क्रिटिसिज्म का क्रिटिसिज्म इज़ गुड देन ये भी लिखा है कि जो इंडिया में डेमोक्रेसी है तो उसमें हम मजल नहीं कर सकते हैं वॉइस को इन द बार्ग ऑफ दिस इन द गाइज ऑफ दिस कंटेम्प्ट अदरवाइज क्या होगा ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इन्हीं की अथॉरिटी को वीकन करेगा और इनका जो इमेज होता है वो और वीकन होता है तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन बैलेंस कंटेम्प्ट इज नॉट एक्सेप्टेड बट क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट में डिफरेंस होता है वी शुड कोट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए ये है बिग गोल्स यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर का कल हमने स्पीच देखा था फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट में जो दिया था उस पर यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस है बिग गोल्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट माइल माइलस्टोन जो आते हैं उसको सेलिब्रेट करना अच्छी बात होती है मोटिवेशन होता है बट जो गोल है हमारा एंड गोल उससे हमारी निगाहें नहीं हटनी चाहिए नॉट लूज साइट और वो है गवर्नेंस के अभी बहुत चैलेंज आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने सैनिटेशन की बात किया एक्सेलेंट एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस एरिया है जल जीवन मिशन जो है इसमें पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर देंगे हर घर में ये एक्सपेंडिंग नेटवर्क होगा इलेक्ट्रिसिटी का इंटरनेट का बैंकिंग का कुकिंग गैस का ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं गवर्नेंस में और ये ज़रूरी है होना चाहिए वेलकम स्टेप फॉरवर्ड हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं जैसे वोकल फॉर लोकल या मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ पर ये कभी कभी रेटोरिक लगते हैं मतलब वर्बोज लगते हैं वर्ड्स बड़े हैं बट रियलिटी प्रैक्टिकालिटी कितना होगा बट वर्बोज होना भी अच्छा है रेटोरिक भी अच्छा है बिकॉज कई बार ये गैलवनाइज करते हैं ओपिनियन को मोटिवेट करते हैं पीपल को डिजिटलाइजेशन जो है ये एक वेलकम स्टेप है बट हमने कल इस इसपे नोट भी प्रिपेयर किया था डिजिटल हेल्थ पे बट हम डिजिटल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी कर रहे हैं दैट इज़ वंडरफुल थिंग बट द मेन प्रॉब्लम जो हेल्थ केयर की है ना वो है स्कार्स इन एडिकुएट ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ डॉक्टर टू पेशेंट रेशो बहुत खराब है डॉक्टर्स ओवरबर्डन होते हैं सफिशियंट हमारे यहाँ ये ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है मेडिकल प्रैक्टिशनर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी एक्स स्पेशज तो प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल भी जो है जो छोटी मोटी सारी डिसीजेस को पहले दफ़े ही क्लियर होना चाहिए वो बहुत इनएडिक्वेट है ह्यूमन रिसोर्स नॉट देयर तो डिजिटलाइजेशन इज गुड बट दिस इज द बॉटल नेक टाइट रोप वॉक करना है प्रमोट करें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्पोर्ट मतलब आयात और उसका कोई सब्सटीट्यूट निकाल लें मतलब लोकल उसे बना लें वन हैंड एंड सीकिंग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द अदर ये काफ़ी एम्बिशियस बातें हैं कलेक्टिव गोल है इंस्पायर कर रहे हैं कम्युनिटी को इंक्लूसिव होने की यहाँ पे जरूरत है बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन ट्रायम्फ ट्रायम्फ दैट आर नॉट इक्वली शेयर्ड आर नो ट्राइम्स एट ऑल जीत होती है वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए देट आर नाट इक्वली शेयरड आर नो ट्राइम्स एट ऑल सो so, ये यहाँ पे बताया है कि जो बिग गोल्स हैं माइल स्टोन सेलिब्रेट करें बट जो असली गोल है उससे नज़र नहीं हटनी चाहिए दिस इज़ बिग गोल्स ये बात है देन एडवर्सिटी हैज़ मेलोड द लीडर ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें यहाँ बात किया है कि इस प्राइम मिनिस्टर के जो एन्योर में अभी काफ़ी ज़्यादा इंडिया को चैलेंज भी हुआ है ग्लोबल कंडीशंस ऐसी बनी सरकमस्टैसेस ऐसे बने कोविड नाइन्टीन आ गया सो so, इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडरटोन भी है द होल थिंग इज इंडिया जो है अभी हमारे यहाँ क्या चैलेंजेस हो रहे हैं एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड नाइन्टीन हेल्थ केयर दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी को रिवाइव करना है बिकॉज कोविड नाइन्टीन से बहुत डैमेज हुआ है तीसरा चैलेंज है कि जो बॉर्डर एंड सिक्योरिटी पे जो अभी टेंशन है इसको भी हमें एड्रेस करना है तो ये तीन बड़े चैलेंज हैं अभी ये फ्रीडम एंड आइडेंटिटी है द राइट टू बी फ्रीडम एंड आइडेंटिटी द राइट टू बी इसमें थोड़ा फिलासोफिकल बातें भी हैं ये लिखा है टाइमलेस लीडरशिप डायरेक्टर ऑफ आई एम कोजिकोदे देने यहाँ अगर हम इसको एम्फेसाइज देखें हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में तो यहाँ बात है कि फ्रीडम इज़ गुड बट फ्रीडम के लिए अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी जो होती है यूनिक दैट हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड एंड सेफ गार्ड एवरेज जो इंडियन होता है वो रियलाइज़ करे कि मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या है बाउंड बाय लॉज होते हैं हमारे यहाँ ये कहा जाता है फ्रीडम इज नॉट फ्री हम अपने काम से अपने लॉज से हम बंधे रहते हैं अपने काम से या फिर ड्यूटी से एवरीथिंग ये चीज़ हम सबको बाइंड करता है तो वी आर बाउंड बाय लॉज फाइनल क्वेस्ट ऑफ लाइफ जो होता है वो होता है कि फ्रीडम अचीव कर ले हम इसका वे आउट क्या हो सकता है आध्यात्म यहाँ लिखा है कि आध्यात्म जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है अधि प्लस आत्मा मतलब अवेयरनेस ऑफ सेल्फ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यू शुड बी सेल्फ अवेयर खुद का पता होना चाहिए कि मेरी ये स्ट्रेंथ है ये वीकनेस है इस वीकनेस को मैं कैसे ठीक करूँ सो अध्यात्म इज़ इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ देन यहाँ पे बताया है कि फ्रीडम जो होता है उसमें चॉइसेस और आइडेंटिटी तो चॉइसेस इज़ ओके बट आइडेंटिटी मेंटेन करना ज़रूरी है तभी वो एक्चुअल मायने में फ्रीडम है तो ये कॉन्टिनम होता है जर्नी होती है टेम्पोरल टू ट्रांसीटेंशियल अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिया है प्रीएम्बल प्रीएम्बल क्या होता है आईडी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड की तरह है प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि डिलीवरी ऑफ एस्पायरेशनल वैल्यू जैसे जस्टिस होगा लिबर्टी होगा इक्वालिटी होगा फ्रेटर्निटी होगा सारे सिटीजन्स में तो ये सेंस तब बनाएगा एवरेज इंडियन में जब हम रियलाइज करें कि फ्रीडम टू बी एंड नॉट टू बी कोऑप्टेड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी इंडिविजुअल लेवल पे भी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम इन सब बैरियर्स में नहीं फंसे कि पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी मशीनेशन ऑफ द मार्केट मार्केट में क्या है कैपिटलिज्म सब यहाँ पे कंज्यूमर्स को ये ऐसे ल्योर करते हैं एंड दिस कैपिटलिस्टिक मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप करवाते हैं देन डिक्टेटरशिप ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड होता है दीज जो डिजिटल वेबसाइट्स हैं प्लेटफॉर्म्स हैं इवन यूट्यूब है फेसबुक है गूगल है एवरी ये डिजिटल वर्ड है दिस इज योर इनेबलर दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ हेल्पिंग यू ये आपको डिक्टेट नहीं करना चाहिए ये आपका मास्टर और स्लेव का रिलेशन उल्टा नहीं होना चाहिए दिस इज़ एन इनेबलर देन मशीनेशन ऑफ द मार्केट भी एंड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी वी शुड बी केयरफुल तो ये सारी चीजें होंगी तभी फ्रीडम एक्चुअल मायने में होगी एक्सपायरेशनल वैल्यू ये पूरा एसेंस है इस आर्टिकल का ये है अबाउट सेंट्रलिटी ऑफ डिवोल्यूशन इन डेवलपमेंट तमिलनाडु श्रीलंका यहाँ पे बात है ये है अनसर्टेनिटी ओवर कोविड नाइनटीन नंबर नंबर्स फज करने से कुछ नहीं होता है इससे हम रियलिटी से दूर जाते हैं हम देख नहीं पाते रियलिटी बट रियलिटी को ये चेंज नहीं होता है रियलिटी जो है वो तो वही रहेगी हम इसको और जज नहीं कर पाते हैं परसेप्शन नहीं आ पाता है और रॉन्ग डेटा मतलब रॉन्ग डिसीज़न तो प्रॉब्लम विद डेटा कन्फ्यूजन है डेटा एक्सेप्ट करें और करेक्ट डेटा यहाँ पे देना चाहिए दैट इज अबाउट एथोस ये कॉस्ट ऑफ स्टिफलिंग वॉइस है वॉइस को मजल करने का दैट इज अगेन सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के बारे में लिखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल क्या जरूरी होता है कि हमारा जो वॉइस मजल होती है दैट हैज नॉट टू बी देयर अदरवाइज क्या होता है डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफीट होने लगते हैं ये हेलीकॉप्टर है वी वुड लाइक टू अक्वायर द मॉडल ऑफ फाइटर हेलीकॉप्टर वेरी गुड हेलीकॉप्टर महेंद्र सिंह धोनी देन दिस इज डेथ ऑन अ स्टीप राइज ये गोदावरी है गोदावरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन गोदावरी एज वेल दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ये इंपॉर्टेंट रिवर है इसमें भी अभी फ्लड अलर्ट आ रहा है गोदावरी लेवल राइजेज में वेस्ट ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट सी दिस इज फ्लड फ्लडिंग हो रही है यहाँ पे देन दिस इज पेज नंबर नाइन है पार्लियामेंट होगी ऐसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा पार्लियामेंट के सेशन में दिस इज देन पेज नागा पीस प्रोसेस है और ये पेज नंबर टेन है देन दिस इज एन सी सी सेट फॉर बिग एक्सपेंशन इन बॉर्डर एरियाज ये देन एजुकेशन प्लस है टाइम फॉर अ चेंज सोशल वर्क एजुकेशन प्रोफेशनल प्रैक्टिस ये फोकस करें करेंट रियालिटीज में और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना कि हमने इतना देख लिया नॉलेज इज़ नॉट वन थिंग हम जिस एज में अभी रह रहे हैं ना और जिस एज की तरफ हम बढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन ओवर का एज है ये तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ब्रेविटी और प्रिसीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो सीखा है उससे इम्पॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन पार्ट करना कि आपको पता है ये सब नॉलेज है नॉलेज इज़ नॉट एवरीथिंग डेटा इज़ नॉट एवरीथिंग उसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन इज दी वन थिंग तो वी शुड फोकस ऑन दिस एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग देन ये है हॉस्पिटल्स भी री होगा कोविड नाइन्टीन जो पोस्ट कोविड नाइन्टीन वर्ड है यहाँ बहुत चर्न चल रहा है बहुत सारी चीज़ें अभी बदलने वाली है ये वर्ड्स ऑफ विजडम है गोल्डन रूल ऑफ यस शोकेज है ना ये वर्ड न्यूज़ है वर्ल्ड न्यूज़ में तिब्बत अभी चाइनीज़ मिनिस्टर ने रेयर विजिट किया तिब्बत बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे ये अभी हमें और देखना पड़ेगा इंडिया कॉल्स रिब मतलब अस्वीकार कर रहा है इसका भी हम वर्ड मीनिंग देखते हैं ये यूएस का अभी पॉलिटिक्स यू में इलेक्शन हो रहे हैं और उससे रिलेटेड यहाँ काफ़ी सारी न्यूज़ है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फॉर्म्स मेक रिकॉर्ड नंबर ऑफ डोजेज ये एक और एक बड़ा प्रॉब्लम है ये होता है दिस डिज़ास्टर्स जैसे ये शिप है ये जो शिप है ये यहाँ पे मॉरिशस में स्प्लिट्स इनटू टू और इसमें वन थाउजेंड टन ऑफ जो ऑयल है वो ऐसे यहाँ पे स्प्रेड हो गया और ये जो ऑयल जो होता है तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है डेलिकेट होती है और वो यहाँ पे डैमेज हो जाती है लाइक मैनग्रोव फॉरेस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड ऑल दिस आर्टिकल ऑल्सो वी कवर्ड समटाइम्स बैक कि ये जो ऑयल स्पिल होता है इसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं क्लिनजिंग ऑफ दिस ऑयल को नेम दैट सम बैक्टीरिया ये होते हैं क्लिनजर होते हैं नेचुरल क्लिनजर कहते हैं उन्हें लीकिंग बल्क कैरियरशिप तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट है दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज ये यू ए इसराइल कल हमने देखा था यू ए इजराइल चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स हो रहा है वेस्टर्न दिस एशिया का कैरी लैम रिटर्न फेलोशिप हॉन्गकॉन्ग दिस नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो चाइना यहाँ पे लगा रहा है उसके कारण हांगकॉन्ग भी काफी न्यूज में है सो दिस इज मनी वाइज मल्टीपल एसेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना सारे एग्स एक बास्केट में नहीं इक्विटी बॉन्ड्स कैश गोल्ड ग्लोबल इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी गुड फाइनेंस में बोला जाता है away, so, ये देन फ्रेंड एंड गाइड गट सी मैन हु बीट द ऑड चेतन चौहान ग्रिटी बैट्समैन ही पासड अवे कोविड नाइनटीन चौहान नेवर फ्लिंज सो ये द हिंदू है नाव ये एडिटोरियल पेज है इंडियन एक्सप्रेस का फॉर बेटर हेल्थ नेशनल आईडी में भी जो अभी हमने बात किया इसमें यही सेम चीज़ें लिखा है कि हमें ज़रूरी है डिजिटल आईडी दें वेलकम स्टेप फॉरवर्ड बट जो असली बॉटल न के ना वो डिजिटल में नहीं है वो बॉटल नैके लैक ऑफ ट्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर नर्सेज फैसिलिटीज़ ये जो एरिया है यहाँ हमें एम्फेसाइज करना चाहिए प्लस हाउ मच परसेंटेज ऑफ जी यू आर स्पेंडिंग ऑन दिस हेल्थ केयर दिस शुड ऑल्सो इंक्रीज और डिजिटल आईडी जो ला रहे हैं डिजिटल आईडी में प्राइवेसी एंगल वी नीड टू एड्रेस महेंद्र सिंह धोनी एंड दिस इज अबाउट क्राइसिस विदाउट विलन ग्लोबल इकोनॉमिक करंट इकोनॉमिक क्राइसिस नो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हम इंडिया की पॉलिसीज पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं बट इफ़ यू लुक एट यू एस ए का भी इकोनॉमी ग्रेट ग्रेट अमाउंट में श्रिंक हो रहा है यू का भी हमने कल न्यूज़ देखा था तो ये जो चीज़ें होती है ना ये इंडिविजुअल आइसोलेशन में नहीं होती है इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी इन जनरल स्ट्रगल कर रही है श्रिंक हो रही है बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाइन्टीन और नो बडी टू ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनका बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है जब वर्ल्ड लेवल पे ऐसी कोई चीज होती है प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एजेंडा प्रोडक्शन डिवोल्यूशन यूनिवर्सलिज्म मार्केट बिल्डिंग आर की टू रेस्क ने प्रोडक्शन डिवोल्यूशन यूनिवर्सलिज्म एंड मार्केट बिल्डिंग ये एग्री मार्केट राइट्स है सेल्फ रिलायंट वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे भी हमने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था ये इंपॉर्टेंट है एग्री मार्केट के राइट्स बिकॉज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में ये है एक्सप्लेन सेक्शन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नहीं आई है इंडियन अमेरिकन काफ़ी ज़्यादा हैं यू में ये जल जीवन मिशन है इसको भी हम डिस्कस करते हैं सी जल जीवन मिशन भी आई एम फॉलोइंग दिस फॉर सम टाइम जब ये पहली बार डिस्कस किया था तब भी मैंने कहा था सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और जिस एरिया में बहुत ज़्यादा सरकार एम्फेसाइज करती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जामिनेशन के लिए ये जल जीवन मिशन है इस पर बहुत प्रायोरिटी है इसको भी अपन पढ़ते हैं जल जीवन मिशन जो है दैट इज़ अबाउट दिस पाइपड ड्रिंकिंग वाटर 2024 तक पाइप वाटर सप्लाई देना है इंटीग्रेटेड डिमांड सप्लाई साइड मैनेजमेंट होगा लोकल लेवल पे इवन माइग्रेंट वर्कर्स एम जी नरेगा भी यहाँ पे अभी बात था हम इम्प्लीमेंट करें यूटिलाइज करें कन्वर्ज करेगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स सारा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनसीआरटीज एन सी आर टी नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ज्योग्राफी की ये सारी बुक्स आप पढ़ लो हर सवाल करेक्ट होगा आपका एग्जाम में नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ वेरी वेरी गुड बुक ग्राउंड वाटर रिचार्ज है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड है वेस्ट वाटर फॉर री यूज इन एग्रीकल्चर ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को भी रीयूज करना है एग्रीकल्चर में तो ये पूरा एम्बिट होगा इसका जल जीवन मिशन दिस पाइप ड्रिंकिंग वाटर का देन दिस इज अबाउट हमने अभी पढ़ा था फेसलेस असेसमेंट ई का फेसलेस असेसमेंट की बात थी बट द पॉइंट इज कि जो बैकहड टेक्नोलॉजी चाहिए फेसलेस असेसमेंट के लिए ऑटोमेशन के लिए बिग डेटा के लिए दिस डिसीजन के लिए वो अभी इतना ऐप नहीं है उसमें अभी और काम करने की जरूरत है देन ये स्पोर्ट सेक्शन है तो दिस कवर अवर न्यूज़पेपर डिस्कशन कल हमने इकोलॉजी एंड ऑल हम डेली ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू सॉल्व कर रहे हैं कल हमने इकोलॉजी एन्वायरमेंट के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे थे ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉजरी वर्ड्स हैं वी शुड नो कार्निवोर क्या होते हैं ये वो एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कार्निवोर हर्बीवोर ओमनीवोर ओमनीवोर क्या होते हैं टेल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन मतलब होता है कि स्पीशीज हैं रिसोर्सेज कार्ज हैं उसको लेने के लिए स्पीशीज आपस में कॉम्पिटिट कर रही है तो दैट इज कॉम्पिटिशन कंज्यूमर क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर क्या होते हैं जो डिकम्पोज कर रहे हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को वो होते हैं डिकम्पोजर और डेट्रिटी वोर क्या होंगे ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो फीड करेंगे सी ये डिकम्पोज कर रहे थे ये फीड होता है डेड और डिकम्पोजिंग मैटर में तो ये दिस इज अनादर वर्ड इको क्या होता है ये बायोलॉजिकल कॉम्यूनिटी होती है ऑर्गेनिज्म का और उनका एनवायरमेंट का दैट इज इको फूड चेन क्या होता है चेन बनी हुई है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंडेंट है ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड फूड चेन दिस इज चेन ऐसे चेन बनी हुई है कि एक एनिमल है उसको दूसरा एनिमल खा रहा है फिर दूसरा एनिमल खा रहा है दिस इज फूड चेन फूड वेब क्या होता है जब बहुत सारी फूड चेन मिल जाती है तो वो फूड वेब बन जाता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन हर्बीवोर प्लांट्स ओमनी वोर प्लांट्स एनिमल्स ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करता है एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू फूड फोटो सिंथेसिस प्रिडेटर क्या होते हैं प्रीडेटर वो एनिमल होते हैं जो हंट करते हैं ईट करते हैं अदर एनिमल्स टू सरवाइव प्रिडेटर जैसे टाइगर है टाइगर क्या है एपेक्स है एपेक्स प्रीडेटर बोलते हैं टाइगर को प्रे प्रे मतलब एनिमल दैट हंटेड एंड ईटन बाय अ प्रीडेटर तो जब भी हम दिस टाइगर दिस गिर में जैसे लायन रीलोकेशन की बात है चीता रीलोकेशन की बात है तो ये क्या है प्रिडेटर है तो पहले हम उनका प्रे ढूंढते हैं वहाँ पे प्रे बेस होना चाहिए फिर उसके बाद फिर हम प्रेडेटर को पे इंट्रोड्यूस कराएं प्रोड्यूसर मतलब जो खुद का फूड बनाते हैं और स्केवेंजर वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जैसे वल्चर्स को हम क्या बोलते हैं स्केवेंजर्स बोलते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फूड चेन के ग्लॉजरी वर्ड्स हैं वोबुलरी में फर्स्ट वर्ड इज फ्लिंच फ्लिंच मतलब होता है ठिटक कर पीछे हटना मुसीबत आई अचानक आप फ्लिंच हो गए दैट इज पीछे हटना पीछे हटना फ्लिंच स्टिफल ये वर्ड अभी हमने देखा था जुडिशरी में स्टिफल मतलब होता है दबाना किसी चीज को सप्रेस करना दम घोटना अनसोलिसिटेड मतलब होता है कि एडवाइस मांगी नहीं है बिना मांगे मिलने वाली दिस इज कॉल्ड अनसोलिसिटेड एडवाइस टाउट का मतलब होता है प्राप्त करना टाउटेड एज दिस दैट इज दलाली भी इसका वर्ड हो सकता है दैट इज कॉल्ड दिस टाउटेड ग्राहक को प्रभावित कर सामान बेचना टाउट देन ये वर्ड है रिबफ जैसे इंडिया ने चाइनीज का रिबफ किया रिबफ मतलब अस्वीकार किया झड़क दिया उसे दो टूक जवाब दे दिया दैट इज कॉल्ड दिस रिबफ सो so, ये है वोकेबुलरी आज की ये ग्लॉजरी वर्ड्स हैं जल जीवन मिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन लर्न अबाउट इट फ्रीडम एंड आइडेंटिटी द राइट टू बी और आध्यात्म ये बिग गोल है सेलिब्रेट करें माइलस्टोन को बट फोकस लूज नहीं होना चाहिए एंड हमारा जो गोल है क्लाउड बस्ट का कॉन्सेप्ट समझा हमने ये बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी बायोडाइवर्सिटी ये क्या होते हैं? दिस ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज ये सारे पता होना चाहिए नेशनल पार्क एंड ऑल बायोडाइवर्सिटी ये है ब्रिज ओवर यमुना माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस इज बैक जूस गोज ऑनलाइन एयरलाइंस फाइटिंग टू स्टे एयरबोर्न। और ये है दिस नया रैपिड इन एक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट सो दिस इज सेवनटीन ऑफ अगस्त ट्वेंटी Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.